अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बीबी जान के दस्तरखान से चिकन क्लब सैंडविच बनाना सिखाएंगे। इसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये हैं। एक अदद हमें ब्रेड चाहिए होगी बेकरी की, फ्रेश बड़े स्लाइस वाली। इसको हमने साइड से इसके कॉर्नर्स काट दिए हैं। 3 अदद अंडे चाहिए होंगे। 1/2 कप कटी हुई गाजर चाहिए होगी। 1/2 कप कटी हुई शिमला मिर्च। 1 हमें खीरा चाहिए होगा स्लाइस। 1 अदद बड़ा टमाटर स्लाइस किया हुआ। सलाद के पत्ते चाहिए होंगे। थोड़ी सी हमने बंद गोभी ली है। 1/2 kg हमने लिया है बोनलेस चिकन, जिसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। 1 कप हमें म्यूनीज चाहिए होगी। 1/2 teaspoon काली मिर्च। 3 tablespoon केचप। 3 tablespoon चिली सॉस। 1/2 teaspoon नमक। 2 tablespoon सोया सॉस। 2 tablespoon मक्खन। स्लाइस चीज चाहिए होगी। ऑरिगेनो लीव चाहिए होंगे हमें 1/2 teaspoon। 1/2 teaspoon हमें सफ़ेद मिर्च चाहिए होगी। 1/2 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च। 1 teaspoon चिकन पाउडर। ये चीज़ें हमें क्लब सैंडविच बनाने के लिए चाहिए होंगी। सबसे पहले हम चिकन को तैयार करेंगे। इसको हमने पकाना है। सबसे पहले एक पैन में हमने 3 tablespoon ऑयल लिया है और इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। क्लब सैंडविच बहुत तरह से बनते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे आपको यकीनन ये तरीका बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ेदार बनेंगे। इसको हम हल्का सा सोते करेंगे चिकन को, और इसके साथ ही हम सारे मसाले ऐड करेंगे। नमक हम 1/2 teaspoon इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि सोया सॉस डलेगा और चिकन पाउडर, तो नमक तेज ना हो जाए। काली मिर्च, सोया सॉस, ये सब इसमें मसाले ऐड करेंगे हम। केचप, चिली सॉस। इसको 3 से 4 मिनट में ये बन जाएगा और इसको हम अलग से तैयार करके रखेंगे। जब तक हम अंडों की ऑमलेट भी बना लेते हैं ताकि हर चीज तैयार हो, और फिर हम इकट्ठा एक साथ इसकी असेंबलिंग करेंगे। अब ये देखें हमारा चिकन तैयार हो चुका हुआ है। अब इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर देना है। हमारी जो गाजर और शिमला मिर्च है इसमें अब हम ऐड कर देंगे। लोग अलग से बॉईल करके भी डालते हैं श्रेड करके चिकन, जैसे आपको इजी लगे। इसको बहुत से तरीकों से बनाया जाता है क्लब सैंडविच को। अब ये देखें हमारा चिकन तैयार हो चुका हुआ है। अब हम इसको चूल्हे को बंद कर देते हैं। इधर हम ऑमलेट बना लेंगे। जब तक अंडों में थोड़ा सा अगर आप कलर डाल लें येलो, तो बहुत अच्छा कलर आएगा। ये ऑमलेट हम लोग बना के साइड पर रखेंगे। एक लेयर हमने ऑमलेट की देनी है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे स्लाइस जो हमने कॉर्नर्स चारों तरफ से काट लिए थे, इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे। इन सब पे हमने बटर लगाना है। ये सब स्लाइस पे आपने अच्छी तरह से लगाना है बटर, ताकि ये अंदर से सॉफ्ट और अच्छे हो जाए। अब हम एक बाउल में कोल्सलो बनाएंगे। कटी हुई बंद गोभी हमने डालनी है, और ये जो म्यूनिस हमने ली थी ये हमने इसमें ऐड करनी है। तकरीबन 1 कप आपने म्यूनिस डालनी है। इसमें 1 teaspoon पिसी हुई चीनी पड़ेगी। 1/2 teaspoon काली मिर्च पाउडर। 1/2 teaspoon नमक।
अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें हल्का सा, अगर आपको थिक लगे तो थोड़ा सा दूध आप शामिल कर लें। अब ये देखें, हमने स्लाइस पे अच्छी तरह से बटर लगा लिया है और बाकी स्लाइस पे हल्का हल्का मेयोनीज लगा लिया है। अब हमने इसके ऊपर सैलेड लीव रखना है और जो हमने ये चिकन तैयार किया है इसका बैटर इस पे रखना है। ये बहुत मजे का स्पाइसी सा चिकन तैयार हुआ है, इसको आप इसके ऊपर डालें। आप बॉईल किया हुआ चिकन भी डाल सकते हैं लेकिन ये वाला आपको बहुत टेस्टी लगेगा। अब ये जो हमने एक और स्लाइस रखा है इसको इसके ऊपर हम रखेंगे और इसके ऊपर हमने जो ऑमलेट बनाया था इसको हम रख देंगे और इसके ऊपर हमने टमाटर रखने और खीरे। आपका जो भी दिल चाहे आप वो वेजिटेबल्स रख सकते हैं और एक स्लाइस चीज के ऊपर हम रख देंगे। ये हम 3 टोस्ट का बना रहे हैं, 2 का भी बन सकता है और 3 स्लाइस का भी बन सकता है। अब ये एक जो मेयोनीज वाला है स्लाइस, इसको इसके ऊपर हम ऐसे रख देंगे। अब हम इसको ग्रिल करेंगे। अब ये देखें, हमने ग्रिल पैन को हल्का सा ग्लेज करके गरम किया हुआ है, इसके ऊपर हम अपने सैंडविच रखेंगे। पहले एक साइड हमने 2 मिनट रखना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह से गर्म भी हो जाए और अच्छी तरह से ये ग्रिल हो जाए, फिर हम 2 मिनट बाद इनको पलटेंगे। अब ये देखें, हमने इसकी साइड पलट दी है, एक साइड पे देखें कितना खूबसूरत ग्रिल के निशान है और बहुत अच्छा ग्रिल हो रहा है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अब ये देखें, हमारे मज़ेदार स्पाइसी क्लब सैंडविच तैयार हो चुके हैं। इस डिश को आप ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आप इंजॉय करेंगे। इस डिश का कमेंट्स में फीडबैक देना ना भूलिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।